الحمد لله الذي فضل العلم والعلماء وجعل التقوى معيار المقربين والفضلاء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه رواه البخاري أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم मोहतरम भाइयों बुजुर्गों और पर्दा नशीन हमारी माया और बहने, बहुत बड़ी खुशी की बात है कि आज हमारे मोहल्ले में मदरसा का जलसा हो रहा है। बड़ी मुद्दतों के बाद हमसे ज्यादा बच्चों को खुशी है, इतने रात में बच्चे सो जाते हैं, बच्चों को काम करो, लेकिन बच्चों को पता है आज हमें हमारी पूरी साल की मेहनत का नतीजा हमारे सामने आने वाला है और हमें इनाम मिलने वाला है। बच्चों की वालिदा और बच्चों के वालिद मोहतरम की तशरीफ फरमा है और इस मदरसे के पीछे निगरानी करने वाले हमारे मोहसिन और हमारे मुक्तदा अला मुफ्ती जमील साहब दामत बरकातुहुल आलिया सदरी जलसा, अल्लाह तआला उनका साया तादीर हम पर कायम और दायम फरमाए। हजरत भी है और उनके साथ उलमा की टीम भी है। ये तमाम की तमाम चीजें अल्लाह तबारक व तआला की बहुत बड़ी नियामत है और अल्लाह तबारक व तआला का एक तरीका है, अल्लाह तबारक व तआला की एक सुन्नत है। जब अल्लाह तबारक व तआला के बंदे अल्लाह तआला की नियामतों का शुक्र अदा करते हैं तो बच्चों को काम करते हैं। जब अल्लाह तबारक व तआला के बंदे अल्लाह तआला की नियामतों का शुक्रिया अदा करते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला नियामतों को बढ़ाते हैं और अल्लाह तआला नियामतों को बाकी रखते हैं। लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुम अल्लाह तबारक व तआला की नियामतों पर शुक्रिया अदा करोगे तो अल्लाह तबारक व तआला नियामतों को बढ़ाएगा भी और नियामतों को बाकी भी रखेगा, नियामतों में बरकतें होगी। वलेइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद, और अगर तुम नाशुक्री करोगे तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं मेरा अज़ाब अलबत्ता बड़ा सख्त है। इन मकातिब का वजूद अल्लाह तबारक व तआला की बहुत बड़ी नियामत है। हमारे मदरसों के बच्चों के प्रोग्राम हमने सुने, ये मासूम मासूम बच्चों ने अपनी जबान से इतनी कीमती कीमती नसीहतें हमारे सामने पेश की। अगर तुमने और हमने अगर दिल के कानों से अगर हमने सुना है तो हमारी जिंदगी बदलने के लिए इन बच्चों के मलफूजा और इन बच्चों के निकले हुए अल्फाज काफी थे। मुस्तकिल पूरा इस्लाम अकाइद की रोशनी में पेश किया हमारे सामने, पांच बुनियादी अकाइद के अंदर उस नाई की हदीसें पेश की, आप सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम के फरामीन हमारे सामने आए। इसके पीछे कितनी मेहनत लग रही है, हमारे मदरसे हजरात की मेहनत है, मुंतजमीन की तवज्जो है, आप लोगों की दुआएं हैं, आपके बच्चों की वक्त की पाबंदी है, ये सारा का सारा मजमुआ इससे मिलकर हमारे बच्चे तैयार होते हैं। तंदुल गाफरीन ने रिवायत लिखी है, जब बच्चा मदरसे में जाकर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ता है उसमें अल्लाह तबारक व तआला के तीन नाम है, अल्लाह अल्लाह तआला का जाती नाम है,
अर्रहमान अर्रहीम अल्लाह तबारक ताला के वो सिफाती नाम है। मैं शुरू करता हूँ उस अल्लाह के नाम से जो अल्लाह बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। देखा है किताब अल्लाह तबारक ताला इस मासूम बच्चे के जबान से बिस्मिल्लाह पढ़ने की बरकत से अल्लाह ताला बच्चे की मगफिरत करता है, बच्चे के वालिदैन की मगफिरत करता है और बच्चे के उस्ताद की अल्लाह ताला मगफिरत करता है सिर्फ अल्लाह के नाम को लेने की बुनियाद पर। सुफयान सौरी फरमाते रहमतुल्लाह अलैह जब भी मकाती के पास से गुजरता हूँ, बहुत बड़े अहलुल्लाह गुजरे हैं, हमारे मुक्तदा हैं, बड़े अल्लाह वाले गुजरे हैं, तो मकतब के बच्चों की कुरान करीम के पढ़ने की आवाज़ जब मेरे कान में पड़ती है तो मैं खड़ा हो जाता हूँ और मैं अल्लाह से दुआ करते अल्लाह इन मासूम तेरे बंदों की जबान पर तेरा नाम है, इन मासूम बच्चों की बरकत से इस गुनहगार बूढ़े को माफ फरमा दे। ये मकाती कितनी बड़ी अल्लाह तबारक मतला की नियामत है। दुर्रे मंसूर की रिवायत में है ईसा अलैहिस्सलाम का एक मरतबा कहीं सफर में जा रहे थे, कब्रिस्तान के पास से गुजर हुआ, देखा एक मुर्दा अल्लाह तबारक मतला के आदाब में गिरफ्तार रहे, उसकी कब्र अदाब का गड़ा बन चुकी है, अल्लाह का नाफरमान था, गुनहगार था। ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दरख्वास्त की, अल्लाह ये क्या है? अल्लाह ने कहा मेरा बंदा 24 घंटे उसकी जिंदगी गुनाहों में गुजरी है, उसका नामा आमाल गुनाहों से भरा हुआ है। कुछ मुद्दत के बाद दोबारा वहां से गुजर हुआ तो देखा वो अल्लाह तबारक व तआला का बंदा जो अल्लाह के आदाब में गिरफ्तार था उसकी कब्र जन्नत का बाग बन चुकी है और वो जन्नत के मजे ले रहा है कब्र में, जन्नत की खिड़की खुली हुई है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ा ताज्जुब हुआ, इलाहल आलमीन ये क्या मजरा है, कुछ महीने पहले मैं यहां से मेरा गुजर हुआ, ये तेरा बंदा तेरे आजाब की जकड़ में था, तेरी पकड़ में था। तो रब्बुल आलमीन ने फरमाया ए मेरे नबी तेरी बात बिल्कुल सही है, लेकिन जब वो दुनिया से रुखसत हुआ था उसने अमानत छोड़ी थी, एक बच्चा छोड़ा था, बच्चा जब थोड़ा सा बड़ा हुआ मदरसे में माँ ने उसकी अम्मी ने बच्चे को मदरसे में पढ़ने भेजा और बच्चे ने यूं कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह तबारक व तआला का नाम लिया, अल्लाह तबारक व तआला की सिफत रहमत को जाहिर किया, अल्लाह बड़ा रहम करने वाला है। तो अल्लाह तआला ने फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि ये मेरा गुनहगार बंदा, मेरा गुनहगार बंदा उसका बच्चा मुझे सिफत रहमान से पुकारे और उसके बाप को मेरे आदाब में गिरफ्तार करो, वैसा नहीं हो सकता। मासूम बच्चे के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के पढ़ने की बरकत से अल्लाह ने उसके अब्बा पर जहन्नम वाजिब थी, वो कब्र के आदाब में बरज़ख़ के आदाब में गिरफ्तार था, अल्लाह ने आदाब को हटा लिया। कितनी बड़ी खैर बरकत की चीज है मकाजिब का वजूद। शेखुल हिंद रहमतुल्लाह ये हमारे बड़े असराफ में गुजरे हैं, हमारे बड़े अकाबिर में गुजरे हैं, जिन्होंने हिंदुस्तान की आज़ादी के मौके पर बड़ी कुर्बानियां दी है इस्लाम के लिए, मुसलमानों के लिए। जब माल्टा की जेल से रुखसत हुए और जब बम्बई के साहिल पर हजारों लोगों ने हजरत का इस्तकबाल फरमाया तो इस वक्त फरमाया कि मैं आपके पास दो बातें लेकर आया हूँ, माल्टा की जेल की तन्हाइयों में दो सबक सीखे। अगर मुसलमान अगर ये चाहते हैं कि हमारी नजात दुनिया के अंदर भी हो और हमारी नजात आखिरत के अंदर भी हो, हम दुनिया के अंदर भी हम आला होवे, हमारी जिंदगियां अच्छी होवे और हम नजात पावे, तो मैं दो सबक मैंने जेल की कोठरी में सीखे हैं, अगर मुसलमान इन दो सबक को अगर याद कर ले उनकी दुनिया में भी नजात होगी और आखिरत में जरूर नजात होगी। कहने वाले बड़े आलिम हैं। पहली बात फरमाई मुसलमानों का आपस का इत्तेहाद, जर्रा हो तो जम जाओ सहरा नजर आओगे, कतरा हो तो मिल जाओ दरिया नजर आओगे। अल्लाह तबारक व तआला की ताकत के बाद सबसे बड़ी ताकत आपस में मुसलमानों का इत्तेहाद और इत्तेफाक है, मिलकर रहना, खानदान मिलकर रहे, बस्ती वाले मिलकर रहे, मोहल्ले वाले मिलकर रहे, कमी बेशी तो हर एक में होती है लेकिन सब्र के साथ तहम्मुल के साथ, ये तमाम के तमाम सिफात नबुव्वत के हैं। आज मेरे मोहतरम भाइयों मेरी प्यारी नावे हो,
आज हमारे घर के हालात बिगड़ चुके हैं, घर घर में आग लग चुकी है, हमारे घर में चीखों की आवाजें आना शुरू हो चुकी है, घर घर में आग लग गई। एक ही घर में रहने वाले दो भाई, एक ही खलिया में खेलने वाले दो भाई और एक ही छाती का दूध पीने वाली दो बहनें चंद पैसों की बुनियाद पर और चंद रुपयों की बुनियाद पर और चंद मकानों की बुनियाद पर भाई भाई से नहीं बोलता, बहन भाई से नहीं बोलती, भाई बहन से नहीं बोलता, हमारे घर में आग लग चुकी है। फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मैं उस आदमी को जन्नत के बीचों बीच घर दिलाने का जिम्मेदार हूं जो हक पर होने के बावजूद भी झगड़ा छोड़ दे, झगड़ा छोड़ दे। हक पर है कि घर मेरा है, मेरे भाई ने कब्जा किया है, ये प्लॉट मेरा है और मेरी बहन ने कब्जा किया है, ये जमीन मेरी है, मोहल्ले वालों ने कब्जा किया है, लेकिन कभी झगड़ा नहीं करता। फरमाने वाले मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो उस आदमी को जन्नत के बीचों बीच घर दिलाने का जिम्मेदार हूं जो हक पर होने के बावजूद भी झगड़ा छोड़ दे। जिस मोहल्ले में झगड़े होते हैं और जिन घरों में झगड़े शुरू हो जाते हैं, वह रहमत के फरिश्ते घरों से भाग जाते हैं और अल्लाह तबारक व तआला की निगाह में सबसे बदतरीन इंसान कौन? फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल अलदुल खिसाम, झगड़ा करने वाला। हमारी जिंदगी में लेट वो हो, हमारी जिंदगी सबर वाली हो, हमारी जिंदगी बर्दाश्त करने वाली हो, हमारी जिंदगी हिल्म वाली हो, हम किसी की बुराई को न उछाले, हम किसी की बुराई बयान न करें, हम किसी के पीछे पड़ न जावे। रब्बुल आलमीन हमारी जिंदगी को देख रहा है, हमारे प्राणी को देख रहा है, हम किसके बारे में क्या सोच रहे हैं, कि सासू अपनी बहू के बारे में क्या सोच रही है, बहू अपने सासू के बारे में क्या सोच रही है, शोहर अपनी बीवी के बारे में क्या सोच रहा है और बीवी अपने शोहर के बारे में क्या सोच रही है, ये सारे के सारे हमारे अंदर के प्राणी अल्लाह तबारक बताना के इल्म में है। अल्लाह की जात बड़ी देखने वाली है। अलम यअलम बिअन्न अल्लाह यरा, क्या तुझे पता नहीं अल्लाह तआला बराबर देख रहा है। इन्न रब्बका लबिल मिरसाद, अल्लाह तआला अपने बंदों को घात लगा कर देख रहा है। मिरसाद बोलते हैं, जब एक शिकारी जब शिकार को करता है तो शिकार के करते वक्त उसकी पलक भी नहीं झपकती, उसकी उस कैफियत को मिरसाद कहा जाता है। रब्बुल आलमीन अपने बंदों की खलबतों को उससे भी ज्यादा देख रहा है, मेरे बंदों के दिलों में क्या है। हमेशा हमारी जिंदगी सादा हो, खामोश मिजाज बने। एक सहाबी ने अल्लाह के नबी के सामने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मेरे को नसीहत फरमा दीजिए। आपने कहा, या अबादर अलैक बितूल सम, अबूदर लंबी खामोशी पकड़ लो, लंबी खामोशी पकड़ लो। जो इंसान जितना ज्यादा खामोश होता है उसकी इज्जत माशरे में बरर हो जाती है, लोग उनकी बातों को तोलते हैं, लोग उनकी बातों पर एतमाद करते हैं और लोग उनकी बातों की कदर करते हैं। हमारा मिजाज खामोशी वाला हो, आपस का इत्तेहाद बहुत बड़ी ताकत। मामूली मामूली बातों पर झगड़ा कर लेना और मामूली मामूली बातों पर घरों के अंदर आग का लग जाना, उससे तो मोहल्ले बर्बाद हो जाते हैं, उससे तो घर टूट जाते हैं और मियां बीवी के दरमियान दीवारें कायम हो जाती हैं। और जिस घर में शोहर अपनी बीवी को औलाद के सामने बोलता है, उलमा ने किताबों में लिखा है, दो बातें होगी, या तो औलाद के दिल में माँ की अजमत खत्म हो जाएगी, या तो औलाद के दिल में बाप की अजमत खत्म हो जाएगी। हमारा घर जन्नत का नमूना बने। और दूसरी बात फरमाई, अगर तुम चाहते हो दुनिया में तुम्हारी नजात हो और आखिर में तुम्हारी नजात हो, तो कुरान करीम की तालीम को आम किया जाए लफ्जन और मानन। जिस तरह हमारी मकातिब का जो है, मकातिब का जो जाल जगह जगह पर माशाल्लाह ये मकातिब कायम है। हमारे मदरसे में 117 बच्चे पढ़ते हैं, हमारे अतीब मुदर्रिस है, उसके ऊपर मुस्तकिल निगरानी हो रही है, उनका इम्तिहान हो रहा है, देने वाले दे रहे हैं, खर्चा करने वाले अपने घरों से और अपने जेबों से पैसों को लगा रहे हैं, अपने कीमती औकात को फारिग कर रहे हैं। ये सब अल्लाह तबारक व तआला की निगाह में बड़े बन रहे हैं, अल्लाह तआला उनकी चीजों को देख रहा है। माल लगाने वालों के माल में अल्लाह बरकतें देगा, वक्त लगाने वालों की जिंदगी में अल्लाह उनके वक्त में बरकत देगा। और ये बात यकीनी है, जो लोग इस मदरसे के पीछे अपने जान और माल को लगाते हैं, अल्लाह उनकी औलाद को कभी अल्लाह बर्बाद नहीं करेगा।
अल्लाह उनकी औलादों की ईमान की हिफाजत करेगा। क्या कुरान करीम, क्या कुरान करीम की तालीम को आम किया जाए। हाजी अब्दुल्ला मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह, कितने बड़े आलिम जिनकी कब्र जन्नतुल माला मक्का के कब्रिस्तान में जिनका मजार है, जिनकी कब्र है, इतने बड़े बुजुर्ग फरमाते हैं अल्लाह ने मुझसे दुनिया में बहुत बड़ा काम लिया। इनके शागिर्द बड़े बड़े हैं कि जिनका नाम लेने में हमारी जबान पर इतनी मिठास आती है जैसे हमने शहद को चाट लिया हो। इतने बड़े आलिम इधर हाजी इमदादुल्ला मुहाजिर मक्की फरमाते हैं अल्लाह ने मुझसे बहुत बड़ा काम लिया, लेकिन मैंने जिंदगी में एक ऐसा अमल किया है जिस अमल पर मुझे 100% अल्लाह तबारक व तआला से मगफिरत की उम्मीद है। तो शागिर्दों ने कहा हजरत ऐसा कौन सा अमल है कि जिस अमल पर आपको 100% और आपको 100% मगफिरत की उम्मीद है। तो हजरत ने फरमाया, हाजी इब्राहिम मुहाजिर मक्की ने फरमाया कि मैंने हिंदुस्तान में जो मेरे मकातिब की जो जाल बिछाई है, इस मकातिब की जाल बिछाने पर मुझे अल्लाह की उम्मीद से उससे मुसलमानों के बच्चों के अकायद सही हुए, मुसलमानों के बच्चों की जबान पर कुरान की तिलावत हुई, उनकी जबान पर अल्लाह का नाम आया, उनकी जबान पर अल्लाह के नबी का नाम आया। अभी देखा मासूम मासूम बच्चों की जबान पर सहाबा के नाम थे। इस अमल पर उम्मीद है अल्लाह का मगफिरत कर लेगा। जब राजस्थान के इलाके में सफर में थे रमजान के मेरे साहबा में, अजमेर के एक देहात पर हमारा जाना हुआ। हमारे पारंपरिक मौली साहब एक बबुल के दरख्त के नीचे बच्चों को पढ़ा रहे थे। उनको पता नहीं हम पीछे खड़े हैं और पत्थर तोड़ने वालों के बच्चे पढ़ रहे थे और मौलाना बच्चों को सिखाते थे बेटा कौन खिलाता है कि अल्लाह, ये कौन पिलाता है कि अल्लाह, औलाद कौन देता है कि अल्लाह। यूकर के बच्चों के अकायद को ठीक कर रहे हैं बबुल के दरख्त के नीचे कोई चीज बिछाई हुई नहीं है और मौलाना उनको पढ़ा रहे हैं। अचानक उनकी नजर पड़ी तो मौलाना साहब ने फरमाया कि मैं बच्चों को इस तरीके पर पढ़ाता हूँ कि 3 घंटे बच्चों के सिर्फ में अकायद को ठीक करा रहा हूँ और एक एक बच्चे को 30-30 दुआएं याद थी जंगलों में कि मदरसा कौन चलाता है। कि मदरसा पालमपुर के एक भाई चलाते हैं, मुस्तकिल तनख्वाह महाना बेचते हैं। उनको क्या मालूम कि तुम्हारे 3,000 के पीछे, तुम्हारे 15,000 के पीछे कितने मुसलमानों के बच्चों के अकायद ठीक हो रहे हैं, कितने मुसलमानों के बच्चे अल्लाह का कलाम पढ़ रहे हैं और कितने मुसलमानों के बच्चे मसाइल सीख रहे हैं, उनकी नमाजें सही हो रही हैं, उनका कुरान सही हो रहा है। लगाने वालों को अल्लाह आखिरत में इतना देगा कि इंसान कभी तसव्वुर नहीं कर सकता। ये मकातिब अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नियामत है। समान आलिम नबी नवर अल्लाह बरकलहु ने एक मरतबा दिल्ली में काफर से फरमाया, क्या जगह हमारे मोहल्ले में अगर कोई बच्चे को कोई अगवा कर ले, अपहरण कर ले, तो पूरे मोहल्ले में शोर मच जाता है कि फूला मोहन का बेटा अगवा हो गया, फूला का बेटे का अपहरण हो गया, आज बातिल ने हमारे गोदों से हमारे बच्चों को छीन लिया है और हमारे बच्चे बातिलों के शिकार हो चुके हैं। कि अगर उनको मदरसे की तालीम न दी, अगर उनको मकतब की तालीम न दी और उनकी तरबियत की फिक्र न की, आज दुनिया में बातिल छा चुका है। हमारे मुसलमानों के जवान लड़के बातिल की छाव में आ चुके हैं, उनकी जबान के बोल बदल गए, उनका आंखों का देखना बदल गया, उनका कानों का सुनना बदल गया, उनके दिलों के ख्यालात बदल गए, उनके तसव्वुरात गुनाहों के बन गए। कि सही तरबियत के न होने की बुनियाद पर और मकातिब की तालीम के न होने की बुनियाद पर नौजवान बालिग होने के बावजूद जिनकी 30-30 साल की उम्र है, उनको न कलमे का पता है न उनको अपनी आखिरत की जिंदगी का पता है। मुसलमानों अल्लाह का बड़ा करम मानो, हमारे मोहल्ले में मकतब कायम है, उसके पीछे मुस्तकिल निगरानी हो रही है, हमारे मुदर्रिस पढ़ा रहे हैं, लेकिन हमारी जिम्मेदारी बनती है हम बच्चों को पाबंदी करावे, मदरसे की तालीम की अहमियत दे। जे आदमी के दिल में जिस चीज की अहमियत होती है आदमी उसके पीछे अपना जान भी लगाता है, माल भी लगाता है, अपनी सलाहियत को कुर्बान करता है। बच्चों को मदरसे की तालीम पाबंदी के साथ भेजना, जितनी तालीम की पाबंदी होगी ना हमारा बच्चा इतना बड़ा नेक बनेगा और हमारे बच्चे की तालीम मजबूत होगी। उसके लिए माँ बाप की जिम्मेदारी बनती है। देखो जितनी भी दुनिया में बड़ी बड़ी शख्सियतें बनी, बड़ी बड़ी शख्सियतें जिंदा दिल और मुअस्सिर शख्सियत इतनी दुनिया में आई, चाहे वो मुहद्दिसीन की जमात हो, चाहे वो मुफस्सिरीन की जमात हो, औलिया इज़ाम की जमात हो, तसव्वुफ के इमामों की जमात हो, चाहे वो सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी हो, अल्लाह मुईज़ जिससे अजमेरी रहमतुल्लाह के आले हो, बड़े बड़े अवलिया आप उनकी जिंदगी को उठा कर देखिए, उनकी शख्सियतों के पीछे उनके माँ बाप की तरबियत है।
और बाप के मुकाबले माँ की तरबियत का ज्यादा हिस्सा रहा है। जब माँ की जिंदगी में दिलदारी होती है और माँ की जिंदगी में तकवा होता है और माँ रातों को रोने वाली होती है तो माँ की जिंदगी का असर औलाद पर पड़ता है। इसे उलमा ने लिखा है, जब माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है तो खाली माँ अपने बच्चे को दूध नहीं पिलाती। अगर माँ की जिंदगी में नेकी होती है और माँ रातों को रोने वाली होती है और माँ की आंखों में हया होती है और माँ की जिंदगी में अल्लाह का डर होता है, ऐसी माँ जब अपने बच्चे को दूध पिलाती है तो दूध के साथ साथ माँ के नेक ख्याल भी औलाद के पेट के अंदर मुंतकिल होते हैं। खुदा न करे अगर माँ की जिंदगी में नेकी नहीं होती, माँ भी व्हाट्सएप पर चलती है और माँ भी फेसबुक पर चलती है और माँ की जिंदगी में तकवा नहीं होता और माँ पर्दे की पावर नहीं होती और माँ के दोपट्टे सर से नीचे उतर जाते हैं और माँ की दिल में खुदा का खौफ नहीं है, आखिरत का खौफ नहीं है, ऐसी माँ जब अपने बच्चे को दूध पिलाती है तो गैर महसूस तरीके से माँ के अंदर के ख्याल औलाद के पेट के अंदर मुंतकिल होते हैं। औलाद माँ बाप की माँ बाप की नकल करती है। आपने देखा होगा कि जब माँ घर में नमाज पढ़ती है छोटे छोटे बच्चे मुसल्ले बिछा कर नमाज पढ़ते हैं कि माँ की नकल करते हैं। अगर माँ मोबाइल देखती है औलाद मोबाइल देखती है, अगर माँ गाना सुनती है औलाद गाना सुनती है। मेरी मोहतरम प्यारी माँ बहन मेरे भाइयों, औलादों को बनाना ये माँ बाप की जिम्मेदारी है। कि मदरसे में तो तालीम दी जाएगी कि तरबियत के लिए तो माँ की गोद है और बाप की निगरानी, माँ की तरबियत और वक्त की पाबंदी। बाजी मुस्तफा रहमतुल्लाह अलैह कितने बड़े अल्लाह तबारक व तआला के वली गुजरे हैं, जिस तरीके पर तमाम नबियों में मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम का मकाम है, इस तरीके और उलमा ने लिखा है तमाम वलियों में सबसे ज्यादा मकाम बाजी मुस्तफा रहमतुल्लाह अलैह का है। इतने बड़े इमाम बाजी मुस्तफा रहमतुल्लाह अलैह, छोटी उम्र में अब्बा का इंतकाल हो चुका है। माँ दिलदार है, माँ तकवा वाली है, माँ के दिल में खुदा का खौफ है और माँ आखिरत वाली है। अब माँ ने सोचा, माँ बाजी गुस्तामी के अब्बा का इंतकाल हो चुका था और माँ अपने बेटे के लिए, अपने बेटे को खिलाने के लिए माँ घर घर जाकर बर्तन मांजती थी, तकवे वाली थी, रोने वाली थी। दिल में फिक्र पैदा हुई, अगर मेरा बेटा मोहल्ले में घूमता रहेगा तो मेरे बेटे की जिंदगी गलत हो जाएगी, मेरे बेटे को गलत सोहबत लग जाएगी। माँ फिक्र में है, उसके अब्बा दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, कैसे मेरा बेटा आलिम दीन बने, कैसा मेरा बेटा आलिम बिल्ला बने, उसके दिल में अल्लाह का ताल्लुक आवे, अल्लाह की मारिफत आवे। तो एक साथी ने कहा, अम्मा जी एक फुला मोहल्ले में मकतब चलता है, एक अल्लाह के वली बुजुर्ग हैं, वो बच्चों को पढ़ाते हैं और उनके बारे में सुना है, जो बच्चा उनके मदरसे में पढ़ने जाता है और चंद साल उस्ताद के पदों में बैठता है वो बच्चा आलिम बामल तो होता है, आलिम बिल्ला अल्लाह की मारिफत को लेकर घर पर वापस लौटता है। बाजी उस्ताद रहमतुल्लाह अलैह उनकी माँ उनको लेकर गई उस्ताद के पास, अगर हजरत जी उससे मरहूम अब्बा की बड़ी तमन्ना थी और मेरी भी तमन्ना थी, मेरा बेटा नेक बने, मेरा बेटा वली काबिल बने, मैं आपकी खिदमत में लेकर आई हूँ। उसको अपने कदमों के अंदर बिठाए और मेरे बेटे की तालीम और तरबियत की फिक्र करे। माँ की तलब की बुनियाद पर उस्ताद के दिल पर असर पड़ा कि माँ को अपने बेटे को कितनी फिक्र है कि मेरा बेटा नेक बने। फिर माँ ने एक अजीब बात फरमाई, उस्ताद जी एक मेरी गुजारिश है कि मेरा बेटा हमेशा मेरे पास रहा है, उसके दिल में मेरी मोहब्बत है, ये बार बार घर पर आने की छुट्टी मांगेगा, लेकिन उस्ताद जी मेरे बेटे को कभी छुट्टी मत देना घर पर आने की, अगर घर पर आने की छुट्टी आप बार बार दोगे तो मेरे बेटे को इल्म में यकसुई नहीं मिलेगी, तो मेरा बेटा सही पढ़ नहीं सकता। आज तो मामूली बात को मदरसे में गया भाग रही, ट्यूशन जाना है, आधा घंटा मदरसे की तालीम, अरे मदरसे की तालीम कब्र में काम आएगी। फरमाते हैं बहुत बड़े अल्लाह के वली गुजरे हैं कि एक मतलब मैंने ख्वाब देखा और ख्वाब में कब्रिस्तान देखा कि कब्रिस्तान में लोग कुछ चुन रहे हैं और एक बूढ़े मियां को देखा कि वो कोने में खड़े हुए बैठे हुए हैं, सबको देख रहे हैं। तो मैंने बूढ़े मियां को पूछा कि बूढ़े मियां ये सब लोग क्या करते हैं और आप क्यों बैठे हैं। फरमाए एक अल्लाह के वली कब्रिस्तान के पास से गुजरे थे, उन्हें कुरान करीम कुछ आयतें पढ़ के ईसा ने सवाब किया, उसके सवाब को सब लोग चुन रहे हैं, तो आपको चुनने की जरूरत नहीं है,
कि ना मुझे चुनने की जरूरत नहीं है, मेरा बेटा तो हाफिज कुरान है और मेरे बेटे की मिठाई की दुकान है, वो तिजारत भी करता है और रोजाना पाबंदी के साथ मेरा बेटा एक कुरान करीम पढ़कर मुझे इस सारे सवाब करता है। सुखेर फरमान में सुबह में उठा, जब मैंने ख्वाब देखा पूरी रात मुझे बेचैनी हुई, ये कौन सा बेटा है। ये फजर के बाद जब मार्केट में निकला, एक मिठाई की दुकान पर लड़के को देखा कि वो मिठाई को बेच रहा है और कुरान करीम की तिलावत कर रहा है। मैंने कहा बेटा अब क्या पढ़ते हो? कि मैं कुरान करीम पढ़ता हूँ। तो कुरान करीम क्यों पढ़ते हो? कि मेरी माँ ने मुझे मदरसे में पढ़ने भेजा था, मेरी माँ की मुझ पर लाखों एहसानात है कि मुझे हाफिज कुरान बनाया और मैं पाबंदी के साथ मिठाई भी बेचता हूँ और पाबंदी के साथ रोजाना एक कुरान पाक खत्म करके मेरी माँ को मेरे अब्बा को मैं इशारे सवाब करता हूँ अब्बा को। अच्छा मुतलिब के शोखेत बहुत बड़े अल्लाह वाले गुजरे हैं। चंद सालों के बाद फिर वही कब्रिस्तान को ख्वाब में देखा और देखा तमाम के तमाम मुर्दे चुन रहे हैं और ये बूढ़े मियां भी चुन रहे हैं। क्या बूढ़े मियां तुम भी चुन रहे हो? क्या मेरा बेटा दुनिया से रुखसत हो चुका है, मेरा बेटा दुनिया से रुखसत हो चुका है। फिर फजर की नमाज के बाद बाहर निकले और मार्केट में जाकर देखा तो दुकान बंद थी। लोगों से पूछा ये दुकान बंद क्यों है? कि दुकान वाला कल अल्लाह का प्यारा हो चुका है। नेक औलाद कितनी बड़ी नियामत है। अगर माँ बाप के तरबियत सही हो जाए हमारे बेटे हमारी आखिरत के लिए हमारे बेटे आखिर में काम आते हैं। बाजी मुस्तमी रहमतुल्लाह के बारे में फरमाया मेरे बेटे को छुट्टी मत देना, यूं करके माँ चली गई। चंद महीने हो गए बाजी मुस्तमी पढ़ते रहे। एक दिन माँ की याद आई, कहा उस्ताद जी मुझे घर पर भेजो, मेरी माँ की याद आई है। उस्ताद ने कहा उसकी माँ ने मुझसे वादा किया है जब तक मेरा बेटा वली कामिल न बने तब तक उसको घर पर आने की छुट्टी मत देना। अगर मैं उसको छुट्टी देता हूँ तो माँ का वादा टूटता है, अगर छुट्टी नहीं देता हूँ तो बच्चे का दिल टूटता है। मैं क्या करूँ? मैं अल्लाह से मांगू, अल्लाह को मुझे कोई मसला बता दे, मेरे दिल में कोई हल की शक्ल बता दे। अल्लाह दिल में बात डाली कि बेटा बायज़ीद एक काम करो, इतना सबक अगर तुम याद करके आओगे तो आपको छुट्टी मिल जाएगी। और इतना ज्यादा सबक दिया कि बच्चा इतना सबक मामूल के मुताबिक कभी याद नहीं कर सकता। बायज़ीद बुस्तामी कमरे में गए, औराक को पलटा तो देखा बहुत सबक था कि बहुत सबक दे दिया है, इतना सबक तुम याद नहीं कर सकता, लेकिन उस तरह उस्ताद के पास दोबारा जाऊंगा तो बेअदबी हो जाएगी। फिर दिल में बात पैदा हुई, हमेशा मेरी अम्मी मुझे कहा करती थी बेटा हमारा काम तो कोशिश करना है, अल्लाह ही काम को बनाता है। मेरी अम्मी भी मुझे रोजाना घर पर कहती थी, मेरे उस्ताद मुझे रोजाना सबक में कहते हैं काम बनाने वाले तो अल्लाह है, हमारा काम मेहनत करना है, हमारा काम कोशिश करना है। बाजी उस्तानी 5 साल का बच्चा लगे रहे एक जगह पर लिखा है कि 3 पारे सुबह से लेकर शाम तक मुंह पे कर लिए, जबानी याद कर लिए। और उस्ताद के उस्ताद का सबक सुन लो, उस्ताद को यकीन है कि इतना सारा सबक को याद नहीं कर सका होगा, लेकिन पढ़ना शुरू किया पूरे 3 पारे फरफर जबानी सुना दिए। उस्ताद समझ लो उसके पीछे अल्लाह की गली बदल है कि बेटा घर पर जाओ। बाद गुस्सा भी घर पर जा रहे हैं, माँ की मोहब्बत की गुन गाते हुए और माँ की ममता दिल में लेते हुए घर जा रहे हैं। घर गए तो दरवाजा बंद है, दरवाजा बंद, कम्मा दरवाजा खोलो के कौन? के बायज़ीद। के बायज़ीद मेरा बायज़ीद नहीं हो सकता, मेरे बायज़ीद के बारे में मुस्ता से वादा करके आए हूँ जब तक मेरा बेटा वली कामिल न बने तब तक मेरे बेटे को छुट्टी मत देना, अगर मेरा बेटा बायज़ीद है तो मेरा बेटा घर पर नहीं आ सकता और उस्ताद वादे को तोड़ नहीं सकते। बाजी फरमाते हैं रोता रहा वो कैसी माए होगी और माओ को अपने बेटों की आखिरत की क्या फिक्र होगी, अपनी मोहब्बतें कुर्बान की है और अपने अंदर की मोहब्बतों को कुचला है और अपने अंदर के जज्बात को कुर्बान किया है। बाजी गुस्सा में फरमाते हैं घर के दरवाजे पर रोता रहा, माँ ने दरवाजे को नहीं खोला। मैं फौरन मदरसे में पहुंचा, उस्ताद ने पूछा बेटा आप जल्दी क्यों आ गए तो मेरा चेहरा नीचा था। उस्ताद जब मेरे चेहरे को ऊंचा किया मेरी आंखें बिल्कुल सुर्ख थी, उस्ताद ने फौरन मुझे गोद में ले लिया, बेटा क्या है? पूरी कारगुजारी सुनाई कि मेरी माँ ने दरवाजा नहीं खोला और मेरी माँ ने यूं कहा मैं उस्ताद से वादा करके आई हूँ जब तक मेरा बेटा वली कामिल न बने मेरे बेटे को घर पर छुट्टी मत देना। उस्ताद ने कहा बेटा तुम्हारी माँ के बारे में क्या तुमको कोई नफरत तो नहीं आई? उस्ताद जी
दिल तो बहुत टूटा है और आंखें बहुत बरसी हैं, लेकिन माँ मेरा हमेशा भलाई चाहती है। माँ ने मेरी भलाई के बारे में कहा है, लेकिन उस्ताद मैं आपको एक बात करता हूँ, मैं कितनी भी तुम्हारे सामने जिद करूं, लेकिन कभी मुझे घर जाने की छुट्टी मत देना। उस्ताद मैं आपको एक बात करता हूँ, मेरी माँ काम करते करते बीमार हो चुकी है, उसकी उम्र बहुत हो चुकी है। आप अल्लाह से दुआ करना, मेरी माँ मुझे जैसा देखना चाहती है, अल्लाह उसकी उम्र को इतनी लंबी कर दे और मुझे वो देखने में जो मेरी माँ चाहती है। उस्ताद ने कहा, बेटा तुम कैसी प्यारी बात करते हो, मैं दुआ भी करूंगा अल्लाह तुम्हारी माँ की उम्र बरकत दे। पढ़ते रहे। एक बार बाजी उस्ताद ने, उस्ताद मस्जिद के इमाम साहब रात को सोए हुए थे, तहज्जुद की नमाज पढ़ के सोए, ख्वाब देखा मोहम्मद अली सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम बैठे हुए हैं, और आपने कहा बायजीद कहाँ है, कहाँ बायजीद को विलायत कामिला मिल चुकी है और बायजीद को घर पर भेज दो। विलायत कामिला अल्लाह की तवज्जो मिल चुकी है, और देखा ख्वाब में आप सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम बायजीद की पेशानी पर गुस्सा दे रहे, जैसे आप खुले उस्ताद को फौरन बायजीद की तलाश में आए तो देखा बायजीद उस्ताद रहमतुल्लाह अलैह नमाज पढ़ रहे थे, नमाज सद्दे की हालत में थे। उस्ताद पीछे बैठ गए, बायजीद ने जैसे कि सलाम फेरा, उस्ताद गए कि बेटा अब तुमको विलायत कामिला मिल चुकी है, अब तुमको घर पर जाने की छुट्टी है। उलमा ने लिखा है 16 साल के बाद घर पर पहुंचे, घर पहुंचे तो दरवाजा बंद कि अम्मा जी बायजीद आया हूं। माँ ने दरवाजा खोल दिया, बेटा आओ। वो क्या मोहब्बत होगी और वो क्या मिलना होगा कि माँ भी रो रही है और बेटा भी रो रहा है। माँ ने अपने बेटे को गले से लगा दिया और माँ की बाहों ने बेटे को नरम कर दिया। माँ ने कहा बेटा मैं तेरे गर्म दूध गर्म करती हूँ तो दूध पी ले। फिर माँ ने दो रकात नमाज पढ़ के अल्लाह से यूं कहा, रब्बुल आलमीन अब मेरा बेटे को तूने जो मेरी तमन्ना थी मेरे बेटे को तूने बना दिया है, अब तेरा इख्तियार है मुझे दुनिया में जिंदा रख या मुझे मौत दे। इतने माँ के फरमा बरदार बने हैं कि माँ की तरबियत की बुनियाद पर कि माँ बूढ़ी हो चुकी थी और माँ ने कहा बेटा बाजी मुझे पानी पीने की जरूरत है। बाजी उस्ताद रहमतुल्लाह अलैह माँ की तरबियत में थे, सही इल्म मदरसों में जाकर लिया था, पानी लेने के लिए गए। जैसे पानी इनको लेकर आए माँ की आंख बंद हो गई, सो गई, पूरी रात खड़े रहे, माँ की आंख नहीं खुली। सुबह तहज्जुद के मौके पर माँ की आंख खुली, देखा बायजीद के हाथ में पानी का गिलास है कि बेटा कब से खड़े हो, कि माँ जब से तुमने पानी मंगवाया तब से मैं खड़ा हूं। ये थी माँ की मोहब्बत और ये थी माँ की हमदर्दी। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह उनके अब्बा दुनिया से जा चुके थे और माँ ने अपने बेटे को आलिम दीन बनाया, माँ ने मकतब में भेजा, मकतब से बड़े मदरसे में पढ़ने के लिए, और 14 साल की उम्र में इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह इतने बड़े इमाम बन चुके थे कि बड़े बड़े सफेद दाढ़ी वाले उलमा उनके दरस हदीस और दरस फिका में बैठा करते थे। जब रात का वक्त होता था अपने बूढ़ी अम्मा के पास आते थे और अपनी बूढ़ी अम्मा के पैरों को चूमते थे और अपने बूढ़ी अम्मा के पैरों को चाटते थे। उनकी बूढ़ी माँ फरमाती, बेटा इमाम शाफी तेरा दुनिया में एक मकाम हो चुका है, तेरा एक स्टेटस हो चुका है, अंत इमामुल अरबी वल अजमी, तो अरब का भी इमाम बन चुका, अजम का भी इमाम बन चुका, दुनिया तेरे कदमों में आ चुकी है। बेटा तू मेरे पैरों को चाटता है कि माँ मुझे उस्तादों ने सिखाया मदरसे में, मैं आपके पैरों को नहीं चाटता, मैं तो जन्नत की नियमतों को चाट रहा हूँ कि अल्लाह ने माँ के पैरों के नीचे अल्लाह ने जन्नत बनाई है। ये माँ की खिदमत, ये सारे के सारे उलूम मदरसे में मिलते हैं। हमारे दिल में मदरसे की अजमत हो, हमारे दिल में मकतब की कदर व कीमत हो, जब तक माँ बाप के दिल में मकतब की कदर व कीमत नहीं आती, मदरसे की तालीम की अजमत नहीं आती, हमारे बच्चे बाद में जाकर बड़ी नहीं बनते। माँ बाप की जिम्मेदारी अपनी औलादों को पढ़ाना, अपनी औलादों को पढ़ाना, और लोगों ने इल्म हासिल करने के लिए कितनी बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी है। हमारे मदरसे का मकतब तरक्की करे, हमारे बच्चे मुकम्मल हमारे मकतब में पढ़े, उसके लिए जरूरी है बच्चों को पाबंदी के साथ मदरसे में पढ़ने भेजे, कभी गैरहाजिरी बच्चों की हमारे मदरसे में न हो। इंशाल्लाह अगर ये सारी की सारी बातें होगी हमारा मदरसा परवान चढ़ेगा, हमारे मदरसे को तरक्की मिलेगी। एक दिन याद रखना, मोहल्ले मोहल्ले में आपको आलिम बनेंगे, आपके बच्चे हाफिज कुरान बनेंगे, आपके बच्चे आलिम दीन बनेंगे, और जन्नत में ले जाने का जरिया आपकी औलाद बनेगी, आपकी औलाद बनेगी। मौलाना अली बिन अबी फरमाते रहमतुल्लाह अलैह, जब मैं घर में पैदा हुआ मेरा घर का अजीब माहौल था, जब रात का वक्त होता था तो घर में रोने की आवाजें आती थी,
एक तरफ मेरी माँ रो रही है, एक तरफ मेरी बहनें रो रही है। एक जमाना था कि माँ की रातों को रोती थी, आज भाइयों माँ भी फजर की नमाज छोड़ रही है, बाप भी फजर की नमाज छोड़ रहा है, घर घर कब्रिस्तान बन चुका है। कितने हमारे मोहल्ले के नौजवान फजर की नमाज में नहीं आते, पूरी पूरी रात बाजारों को आबाद करते हैं, पूरी पूरी रात बाजारों में जागते हैं, सुबह का वक्त होता घर पर जाकर सो जाते हैं। मेरे भाई जमाना गुजरा है कि माँ बाप जो रातों को उठते थे उनकी छोटी छोटी औलादें रातों को तहज्जुद पढ़ती थी, और सहाबा के छोटे छोटे बच्चे उम्मत के गम में रोते थे। जब माँ बाप की जिंदगी में दीन होता है तो माँ बाप की जिंदगी का असर औलाद की जिंदगी में आता है, औलाद की जिंदगी में आता है। माना आलिम नबी रहमतुल्लाह अलैह इतने बड़े आलिम दीन बने हैं कि अरब के बड़े बड़े उलमा उनकी तकारीर को सुनकर और उनके इल्म को सुनकर इतने मुतासिर होते थे कि अशअश कर जाते थे। मौला आलिम फरमाते हैं, जब मेरी आंख खुली अपने घर में, जब मुझे थोड़ा सा एहसास हुआ, मैंने अपने घर में देखा, रात का वक्त होता था, मेरे घर में मेरी माँ की रोने की आवाज़ आती थी, मेरे माँ की रोने की आवाज़ आती थी। मैं उठ जाता था मेरी माँ के रोने को देखकर, मैं अपनी माँ की गोद में बैठता, माँ तू क्यों रोती है, माँ तू क्यों रोती है, तो माँ फरमाती, बेटा मैं अल्लाह को मना रही हूँ। और मेरी माँ मुझे गोद में बैठा कर अल्लाह से यूँ कहती, ये अल्लाह मेरा बेटा आलिमिया है, तो मेरे बेटे से दीन का काम ले। जब लखनऊ में पढ़ने गए हैं तो उनके उनके खुतूत किताबों में, पुराने चिराग में, वो एक किताब हजरत की, उसमें उनके सारे के सारे खुतूत छपे हैं। एक खत में लिखा है, ए मेरे बेटे आलिमिया, तुम मेरे अकेले बेटे हो, अगर मेरे 100 बेटे होते, 100 बेटे, मैं अपने 100 के 100 बेटे को आलिम दीन बना, लेकिन तुम अकेले हो, मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ, अल्लाह तबारक बताना तुम्हारे अंदर 100 बुजुर्गों की खूबियाँ पैदा करे, 100 अल्लाह वालों की खूबियाँ पैदा करे। माँ की दुआओं की बरकत से अल्लाह ने मौला आलिमिया रजी को कहाँ से कहाँ तक पहुँचा। इसे मेरे मोहतरम भाइयों, मेरी मोहतरम प्यारी माँ बहनों, वक्त काफ़ी हो चुका है, अभी बात करना मकसूद भी नहीं है, मकसूद है कि हमारे मकतब की तरक्की हो, हम उसके पीछे अपनी जान की कुर्बानी दें, माल की कुर्बानी दें, और अपने बच्चों की बेहतरीन तरबियत करें, और अपने घरों में तालीम के हल्के जिंदा करें, और अपने जवान बच्चों को नमाज का पाबंद बनावे, अपनी बच्चियों को पर्दे का पाबंद बनावे। एक सहाबी ने पूछा, अल्लाह के नबी कयामत कब आए, तो मेरे नबी ने फरमाया कयामत का मुझे पता है, तो आपने फरमाया कयामत की कोई निशानी बता दीजिए, तो मेरे नबी का हाँ कयामत की निशानी है, अंतलिदल अमत रब्बतहा, जब घर की लड़कियां माँ को नौकरानी समझेगी और घर की लड़कियां अपनी ख्वाहिशात को पूरी करने के लिए, नफ्सानी ख्वाहिशात के चौचले पूरा करने के लिए माँ के सामने बोलेगी और माँ को नौकरानी की तरह घर में रहेगी, मेरे नबी ने फरमाया कयामत का इंतजार करो। नौजवान लड़के तो माँ के नाफरमान होते हैं, जब घर की नौजवान लड़कियां भी माँ के सामने बोलना शुरू करें, माँ को गाली बोले, माँ को बदतमीजी से बात करें, तो मेरे आका ने फरमाया कयामत का इंतजार करो। इसे करो की जरूरी है, अपने छोटे बच्चों को मकतब में भेजो और अपनी बच्चियों को पढ़ाओ और अपने बच्चों को पढ़ाओ, घर में उलूम के उलूम इल्म की बरकत से हमारे घर में रहमत के फरिश्ते आएंगे, शयातिन हमारे घरों से निकल जाएंगे। एक अल्लाह वाले फरमाते हैं पड़ोस से मुनकर के, कि मेरे साथी के घर पर गया, मैंने घर पर जाकर देखा तो उनके बच्चे बड़े नेक थे, उनके बच्चों की जिंदगी सुन्नत के मुताबिक, और उनके बच्चों को देखकर मुझे बहुत खुशी हुई कि उनके बच्चों की जिंदगी कितनी मुबारक है। तो मैंने उनके घर के मालिक को पूछा, भाई तुम्हारे बेटे बहुत दिनदार, उसकी वजह क्या है, तो तीन बातें बताई। पहली बात बताई, कभी मैंने अपनी औलाद को शक वाला लुकमा भी नहीं खिलाया, हराम तो दूर की बात है, शक वाला लुकमा मैंने अपनी औलाद को आज तक नहीं खिलाया, शक वाला लुकमा। मुबारक रहमतुल्लाह का नाम सुना होगा, मुबारक रहमतुल्लाह अली अब्दुल्लाह के अब्बा सफर कर रहे हैं समंदर के किनारे किनारे, बहुत भूख लगी थी, भूख, एक सेब देखा, सेब एप्पल देखा, बहुत भूख लगी थी, सेब खा गए, लेकिन दिल में सोचा ये सेब कौन से बाग का होगा, कौन से दरख्त का होगा, मैंने बगैर पूछे खा लिया है, मैं अल्लाह के सामने क्या जवाब दूंगा। अरे मेरे भाइयों, आज तो भाई भाई के घर को खा रहा है, बहन भाई के माल को खा रही है, भाई ने भाई के घर को उजाड़ दिया, मैं और आप अल्लाह के सामने क्या जवाब देंगे। मुबारक रहमतुल्लाह अली एक सेब को खा गए, खाली सेब को, वो भी समंदर के किनारे पर पड़ा हुआ था, दिल में खुदा का खौफ पैदा हुआ, मुझे अल्लाह के सामने जवाब देना है, मैं अल्लाह के सामने क्या जवाब दूंगा, तो इसकी फिक्र में लग गए। सफर करते समंदर के किनारे चलते 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 एक जगह पहुंचे जहां एप्पल का गार्डन, एप्पल का बाग था,
और उसकी शाखें समंदर की तरफ लटकी हुई थी। दिल में सोचा, हो सकता है इसी बाग का सेब समंदर के किनारे किनारे पानी पर आया होगा और मैंने खा लिया है। वहां जाकर बाग के मालिक को जाकर पूछो। बाग के मालिक के पास पहुंचे, सुनो मेरे भाई, और बाग के मालिक को कहा, मैंने एक सेब खा लिया है और हो सकता है तुम्हारे बाग का हो। उसने कहा, मेरे ही बाग का होगा, क्योंकि मेरा बाग समंदर के किनारे पर है और वो समंदर के किनारे पर वो सेब तैरता तैरता वहां पहुंचा होगा। कहा, मुझे माफ कर दो या मेरे पास से बदला ले लो। ये बदला के माफ तो नहीं हो सकता। बाग का मालिक ने सोचा, ये कौन अल्लाह का नेक बंदा है, एक सेब के लिए मेरे पास माफी मांगने आया है। कि माफी तो नहीं हो सकती, लेकिन बदला आपको देना पड़ेगा। कि बदला क्या है, कि मेरी एक जवान लड़की है, आंखों से अंधी है, आंखों से नाबीना है और कानों से बिल्कुल गूंगी, कानों से बहरी है, जबान से गूंगी है, हाथों से लूली है और पैरों से लंगड़ी है। मेरी बेटी से आपको निकाह करना होगा। भाई कैसी खतरनाक शर्त लगाई, मेरी जवान बेटी घर में है, अगर आपको एप्पल का बदला लेना है, कि अगर आपने सफरजन को और आपने सेब को बगैर पूछे खा लिया है, तो मेरी बेटी से आपको निकाह करना पड़ेगा। कितना दिल में खुदा का डर था, तैयार हो गए कि मैं इसी लड़की से निकाह करने तैयार हूं, लेकिन अल्लाह के यहां मेरी पकड़ न हो गई। निकाह हो गया, इस मकान में मेरी लड़की है, तुम चले जाओ। घर में दाखिल हो गए, देखा लड़की बड़ी खूबसूरत है, आंखों से देखती भी है, जबान से बोलती भी है और कानों से सुनती भी है, हाथ बिल्कुल सही सालिम है, पैर बिल्कुल सही सालिम है, नूरानी फरिश्ते की तरह लड़की घर पर मौजूद है। दिल में एक अजीब खुदा का डर पैदा हुआ, कहीं मैं गलत जगह पर फंस तो नहीं गया, या अल्लाह मेरा इम्तिहान हो रहा है। सुबह का वक्त हुआ तो जाकर पूछा लड़की के अब्बा को, बाग के मालिक को पूछा, तुम तो यूं कह रहे थे कि लड़की में सारे के सारे मौजूद है, लड़की तो बिल्कुल सही सालिम है। कहा, नहीं, गलत बात है, मेरी लड़की आंखों से अंधी है, मेरी लड़की तो कानों से बहरी है। तो और उनको डर पैदा हुआ कि फरमाया, भाई डरने की बात नहीं है, मेरी इस बेटी ने कभी आंखों से गलत नहीं देखा, इससे मेरी बेटी अंधी है, कभी कान से गलत नहीं सुना, इससे मेरी लड़की बहरी है, जबान से कभी गलत बात नहीं की, किसी की कीमत नहीं की है, मेरी बेटी की जबान बिल्कुल पाक है, हाथ से कभी गलत चीज को नहीं पकड़ा, मेरी बेटी हाथों से लूली है और मेरी बेटी के पैर कभी गलत मजलिसों की तरफ नहीं चले, न उसके पैर बाजारों की जिनत बने हैं, मेरी बेटी के पैर लंगड़े। मेज से कहा, फरमाया, जब तूने यूं कहा एक सेब के लिए तू मेरे पास आया, मेरे दिल में यकीन पैदा हो गया, अल्लाह का बंदा है और मैं ऐसा दामाद तलाश करना चाहता हूं जिस दामाद में अल्लाह का डर हो। क्या दोनों का निकाह हो गया, अल्लाह ने एक बच्चा दिया, जिस कारण में अब्दुल्लाह बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह, उलमा जानते हैं कितने बड़े सूफी और कितने बड़े मुहद्दिस, हजारों का मजमा उनके हदीस के सबक में हुआ करता था। एक बार बगदाद में हारून रशीद बादशाह, इतना बड़ा बादशाह था, वो फरमाता, जब चलता बादल चलता तो अपनी बीवी को यूं कहता, ये बादल जहां जहां जाएगा वहां तक मेरी जमीन होगी और जहां जहां बरसेगा वहां तक मेरी जमीन होगी। इतना बड़ा बादशाह अपनी बेगम जुबेदा के साथ में महल में बैठा हुआ था, अचानक बगदाद में शोर हुआ तो जुबेदा ने कहा, अरे देखो तो सही, खिड़की के झरोखों से किसने अपने बगदाद पर हमला तो नहीं कर लिया। जब खिड़की खोलकर देखा, अब्दुल मुबारक रहमतुल्लाह ने जा रहे हैं और लाखों शागिर्दों का मन उनके पीछे जा रहा है। हजरत अब्दुल्लाह को छींक आई और यूका अल्हम्दुलिल्लाह, पूरे मजमे का यरहमुकल्लाह के उनके जवाब में पूरा शहर गूंज उठा। इसी वक्त जुबेदा ने अपने शोहर के गरिमा को पकड़ कर यूं फरमाया कि तेरी हुकूमत बगदाद के लोगों के जिस्मों पर है और अब्दुल मुबारक की हुकूमत लोगों के दिलों पर है। ये हलाल हुक्मे के असरात थे। मेरे भाइयों, अपने बेटों को चटनी खिलाओ, अपने बेटों को सूखी रोटी के टुकड़े खिलाओ, शक वाला लुकमा अपनी औलाद की पेट में कभी न डालो। ये पहले जमाने का माशरा था, जब शोहर जब घर से निकलता था तो घर की औरत मसल्ला बिछा कर इशरा की नमाज पढ़ के बाहर दरवाजे पर आती और अपने शोहर को फरमाती, ए मेरे प्यारे शोहर, इत्तकिल्लाह फीना, हमारे बारे में अल्लाह से डरना। क्या कहना, तुम जा रहे हो इसके हलाल के लिए, घर में कभी हराम का लुकमा अपने घरों पर मत लाना। औरतें अपने शोहरों को यूं बात करके घरों से रवाना करती थी। अल्लाह वाले फरमाते हैं, मैं उनके घरों में देखा तो एक बात फरमाई कि मैंने अपने बच्चों को हराम का नहीं शक वाला लुकमा भी नहीं खिलाया। दूसरी बात क्या फरमाई, जी बात फरमाई कि हमने मियां बीवी ने इरादा किया है अपनी जिंदगी को नेक बनाएंगे, कि हमारे बच्चों की जिंदगी पर हमारी जिंदगी का असर पड़ता है, कि हमारा सोना, हमारा खाना, हमारे घर में रहना सहना, मियां बीवी की गुफ्तगू,
तमाम की तमाम सुन्नत के मुताबिक होगी तो हमारे बच्चे भी घरों में सुन्नतें सीखेंगे। अब्बा कैसे नमाज पढ़ते हैं ये फरमाए, आज तक मेरे घर पर कभी नमाज नहीं पढ़ी है, ताकि मेरी औलादे घर पर नमाज पढ़ना शुरू न करे। खाना बगैर सुन्नत के नहीं खाया, बिस्तर बगैर सुन्नत के नहीं बिछाया, मैंने अपनी पूरी जिंदगी सुन्नत के मुताबिक मैं अल्लाह के नबी की जिंदगी को पढ़ा और अल्लाह के नबी की जिंदगी को सीखा, ताकि मेरी औलाद हमारी नकल सही करे। और तीसरी बात फरमाई कि फर्ज नमाजों के अलावा नफल नमाजों में दुआएं मासूरा के और हमें दुआ का मामूल है, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना क़ुर्रता अय्युन व अज़अलना लिल्मुत्तक़ीन इमामा। ये अल्लाह को हमारी औलादों को नेक बना, हमारी बीवियों को नेक बना और आंखों की ठंडक बना और मुत्तकी का इमाम बना। ये तीन अमल की बरकत से अल्लाह ने मेरे बेटों को दिलदार बना। इसे मेरे भाई मेरे मोहतरम का इमाम लो, आप इरादा करो माशाल्लाह, हम भी अपनी जिंदगी को दीनदार बनाएंगे और अपनी जिंदगी को पाक बनाएंगे और अपने घरों में दीन दीन को दाखिल करेंगे, घरों में तालीम के हल्के को जिंदा करेंगे। और आज से पूरा मजमा इरादा करके जाओ माशाल्लाह, हम वक्त की पांच वक्त की नमाज की पाबंदी करें कि बाप बेटे को दावत दे, बेटा बाप को दावत दे, हमारा पूरा घर का माहौल नमाजी हो, हमारा पूरा घर का माहौल दीन की दावत का हो, हमारे घरों में तालीम पढ़े जा रही हो, हमारे घर में कुरान करीम के मामला पढ़े जा रहे हो, हमारे घर में सुन्नतों के मुदाखले हो रहे हो, इंशाल्लाह हमारे घर में दीनदारी का माहौल होगा। दीनदारी की बरकत से अल्लाह पाक हमारे घरों में अल्लाह पाक बरकतों के दरवाजे खोल देगा। आज सब कुछ कमाने के बावजूद लड़का भी कमा रहा है, बाप भी कमा रहा है, तीन तीन लड़के घर में कमा रहे हैं, लेकिन घर कंगाल हो चुका है, घर में बरकतें खत्म हो चुकी है, नहुसतें आ रही है, माँ बाप औलाद से परेशान, औलाद माँ बाप से परेशान, हमारा घर झगड़ों का जरिया बन गया कि हमारे घरों में गुनाहों के आलात आ गए, हमारे घर में गलत देखने की चीजें आ गई। अल्लाह के वास्ते अल्लाह का डर पैदा करो, उठती जवानियां मत देखो, उठते जनाजे देखो, शादी की बारात मत देखो, मौत के मातम देखो, हम सबको मरना है और हम सबको कब्र में जाना है, भाई अल्लाह के सामने खड़ा होना है। एक दिन मौत आएगी और हमारा जनाजा हमारे घरों से निकलेगा और तब मौत कब्र और इंतकाल के बाद कब्र में जाने के बाद कोई किसी को याद नहीं करता। हमारे जवान लड़के कब्रिस्तान के पास आज गुजर रहे हैं, बाइक पर सवार होते हैं, बड़े बड़े मोबाइल हाथ में होते हैं, उनको पता है मेरी माँ कब्र में सोई है, उनको पता है मेरे अब्बा कब्र में सोए हैं, उनको लेकिन किसी को फातिहा पढ़ने की तौफीक नहीं होती। और मेरे भाइयों, जैसी जिंदगी गुजारूंगी वैसी मौत आवेगी, और जैसी मौत आवेगी वैसे कब्र से उठाए जाओगे। तो शरून कमा तमुतून तमुतून कमा तहयून, अपनी जिंदगी को नेक बनाओ, अल्लाह हमें बराबर देख रहा है, और आपकी खलवत पाक बनाओ, रातों की तन्हाइयों के अंदर गुनाह मत करो, गलत गलत चीजों को मत देखो, अल्लाह हमें बराबर देख रहा है। जो अल्लाह आंखों को दे सकता है वो अल्लाह आंखों के नूर को सलब कर सकता है, बड़ी ताकत वाला अल्लाह है, और रात के अंधेरों को देखता है, दीन के उजाले को देखता है, हमारे दिल में आने वाले ख्याल को अल्लाह आसमानों पर जानता है। भाई अल्लाह का डर पैदा करो, आज से तौबा करके जाओ, जिंदगी को पाक बनाओ और अपने आंखों में हया का काजल लगाओ और अपने कानों को कुरान के नगमों से आशना करो और अपने चेहरे को हुजूर वाला चेहरा बनाओ और अपने लिबास को हुजूर वाला लिबास बनाओ और अपने हाथों में अल्लाह के इश्क की हथकड़ियां डालो और अपने पैरों में अल्लाह ताला की मोहब्बत की बेड़ियां डालो और अपने गले में अल्लाह तबारक व तआला की और आप सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम की इताअत का घोलोबट डालो और लंबे लंबे सजदे करके अपने माथे में अल्लाह के सजदे का जूबर सजाओ, फिर देखो तुम कैसे अल्लाह के प्यारे लगोगे। अल्लाह भी हमसे मोहब्बत करेगा, नबी भी हमसे मोहब्बत करेगा। जिंदगी को पाक बनाओ, हमारी जिंदगी पाक बने, हमारी जवानी पाक बने, हमारे मस्तूरात पर्दे की पाबंदी करे, पर्दे में जिंदगी गुजारो, पर्दे में जिंदगी गुजारो। जब एक और अहमदाबाद में अपने सर के दोपट्टे उतार कर चलती है, आसमान और जमीन जैर और जबर हो जाता है, अल्लाह खुद अल्लाह का गुस्सा आ जाता है, जमीन फटने को तैयार हो जाती है, आसमान टूटने को तैयार हो जाते हैं, अल्लाह नाराज हो जाते हैं। अल्लाह के वास्ते पर्दों की अहमियत जिंदगी में लाओ, ये आंखें अमानत हैं, अल्लाह मुझे और आपको आखिरत में पूछेगा। मेरे नबी की बेटी हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाहु अन्हा अल्लाह के नबी की प्यारी बेटी है, अल्लाह के नबी की दस्ते जिगर है। मेरे नबी ने फरमाया फातिमा तो मेरे जिगर का टुकड़ा है। हज़रत मौलाना मदर अपनी किताब में लिखा है, एक रिवायत लिखी है कि एक मतबा मदीना मुनव्वरा में ईद का चांद हुआ,
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी फातिमा से पूछा, बेटी फातिमा क्या तूने ईद का चांद देखा? ईद का चांद तो हर मुसलमान देखता है, मदीना के बच्चे बच्चे देखते हैं, रमजान के रोजों की बरकत से ईद की खुशी होती है। बेटा हल रईत हिलाल ईद, क्या तूने ईद का चांद देखा? हजरत फातिमा ने जवाब नहीं दिया, दो बार पूछा जवाब नहीं दिया, तीसरी मतलब पूछा, हजरत फातिमा ने फरमाया, मेरे प्यारे अब्बा या बता, ए मेरे प्यारे अब्बा, कितने गैर महरम इंसानों की चांद पर नजरें पड़ी होगी, मैं नहीं चाहती जिस चांद पर गैर महरम इंसानों की नजरें पड़ी हो वहां मोहम्मद रसूलुल्लाह की बेटी की नजर पड़े। क्या खदीजा ने तरबियत की होगी और क्या मेरे नबी ने तरबियत की होगी। हजरत फातिमा को नसीहत फरमाए, बेटा जिंदगी को सादा गुजारना, घरों में खाने के फाके आए हैं लेकिन मेरे नबी ने कभी अल्लाह से दुनिया नहीं मांगी, बालो घरों में फाके आए लेकिन जिंदगी सादा गुजारने की तरगीब दी है। बेटा सबर कर, दुनिया तो खत्म होने वाली चीज है, बेटा असल तो आखिरत है। भाई अपने खर्चों को अपने खर्चे को कम कर दो, आज आमदनी कम है हमारे खर्चे ज्यादा है और हम कर्जे कर रहे हैं, अल्लाह को कर्जा पसंद नहीं है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम ने किसी मखरूज की नमाज जनाजा नहीं पढ़ी और आपने युगा सहाबा तुम नमाज पढ़ो, भी नमाज नहीं पढ़ूंगा। हाँ किसी ने कहा, या रसूल अल्लाह उसके कर्जे का जिम्मेदार मैं हूँ, मैं उसके कर्जे को पूरा कर लूंगा, तो आपने नमाज जनाजा क्यों पढ़ाई। खर्चे कम करो, जिंदगी सादा बनाओ, मकान सादा बनाओ, खाना सादा खाओ और अपने घर को सादा बनाओ और अल्लाह को सामने रख जिंदगी गुजारो। रात की खलबत पाक बनाओ, ये रात जिसकी रात की तन्हाइयां पाक होगी उसका दिन भी पाक होगा, उसकी मजलिसें पाक होगी। अल्लाह के वास्ते अचानक दुनिया में कितने आ रहे हैं और मेरे नबी ने फरमाया, नेक अमल करने में जल्दी करो, बादिउ बिल अमाल सालिहा, नेक अमल करने में जल्दी करो, नमाज के पढ़ने में जल्दी करो। पढ़ना नमाज तो आहिस्ता पढ़ना है, नमाज न पढ़ने वालों को नमाज पढ़ने की तरगीब है, नमाज पढ़ना शुरू कर दो, अल्लाह के सामने रोना शुरू कर दो, पर्दे की पाबंदी शुरू कर दो, कुरान की तिलावत को शुरू कर दो। आगे मेरे नबी ने फरमाया, तकूनु फितनन कक़ताइल लैल मुदरिम, अनकरीब जमीनों पर खतरनाक फितने आने वाले हैं रात के अंधेरे टुकड़ों की तरह। आपने देखा मगरी के बाद अंधेरा थोड़ा होता है, फिर अंधेरा बढ़ जाता है, फिर पूरी रात अंधेरी हो जाती है, अंधेरे में इंसान को पता नहीं चलता कौन सी जमीन पर गिरी हुई है। कितने खतरनाक फितने आएंगे, इंसान को हक और बातिल का पता नहीं होगा। हमारा रब्ता उलमा से हो, हम उलमा की कदर करें, मुफ्तियाने किराम की कदर करें, उनकी खिदमत में जावे, अपनी जिंदगी के मसाइल उनके सामने रखे। सहाबा ने पूछा, अल्लाह के नबी इस फितने का नतीजा क्या होगा? तो मेरे नबी ने फरमाया, इंसान सुबह के वक्त मोमिन होगा, शाम के वक्त काफिर होगा, शाम के वक्त मोमिन होगा, सुबह के वक्त काफिर होगा। ये भी हदीस सुनाई, सहाबा की चीखें निकल गई, या रसूलुल्लाह ये कैसे हो सकता है कि इंसान सुबह के वक्त तो मोमिन हो और शाम के वक्त काफिर हो जावे। कहा मेरे नबी ने फरमाया, इस वक्त होगा जब इंसान दीन को दुनिया के ताले कर देगा, दीन को दुनिया के ताले कर लेगा, कारोबार चालू रहेंगे, इंसान नमाजों को छोड़ देगा, कमाने में हलाल को देखेगा ना हराम को देखेगा। बलो कमाई हलाल करो, कमाई हलाल करो। हजरत फरमाते थे, लुकमा समंदर है, ख्यालात मोती है, अगर लुकमा अगर पाक होगा, ख्यालात पाक हो गए, आंखों का देखना सही होगा, जबान के बोल सही हो गए, अगर लुकमा गलत हो जाएगा हमारी पूरी बॉडी नाफरमानी में शुमार हो जाएगी। आंख गलत देखेगी, जबान गलत बोलेगी, कान गलत सुनेंगे। अल्लाह इकबाल फरमाते थे, चमन के तख्त पर जिस रंग सहे गुल का तजम्मुल था, हजारों बुलबुलों की फौज थी, एक शोर था गुल था, जब आए बिन खिजा के कुछ न था, जूझ खार गुलशन में बनाता बार बार रो रो, यहाँ गुल था यहाँ गुल था। मेरे भाइयो मेरे और आपकी हालत चमन के माली की तरह हो चुकी है, कि चमन के फूल मुरझा गए, चमन के फल को चुरा के ले गया, चमन का माली अपने घर पर सो रहा है, बागवा सो रहा है, हम कहाँ है, हमारी बेटियाँ कहाँ जा रही है, हमारे बच्चे कहाँ जा रहे हैं। ये हमारे मुफ्ती यहिया साहब दामत बरकातुल आलिया, मुफ्ती जमील साहब दामत बरकातुल आलिया, ये हमारे बुजुर्ग और उनकी पूरी टीम उलमा की एक मेहनत हो रही है इस्लाह माशरा की। हमारे जवान पाक दामन जवान बने, आशिक रसूल बने, अल्लाह से मोहब्बत करने वाले बने, रातों को अल्लाह के साथ रोने वाले बने। एक नौजवान जब रातों को उठता है, सर्दी का मौसम है, रजाए उड़ी हुई है पर अल्लाह की मोहब्बत में उड़ जाता है, रजाए को छोड़ देता है, फिर वुजू करता है, अल्लाह के सामने खड़ा होता है,
क्या अल्लाह को मोहब्बत होगी, क्या अल्लाह को रात अल्लाह को कितनी मोहब्बत आती होगी। मेरा नौजवान बंदा सर्दी के मौसम में जवानी की ख्वाहिशात के बावजूद रातों को अल्लाह के सामने कूद रहा है, मेरे सामने तड़प रहा है। एक जमाना ऐसा भी गुजरा है, मुसब बिन उमर रातों को तड़पते थे, मैंने कुवैत में 2009 में जुड़े जमशेद को मछली की तरह रातों को तड़पते हुए देखा है। वो सिंगर था, हजारों लड़कियां उस पर फिदा थी और हजारों लड़कियों को उसने खराब किया था नाच गाने के अतबार से। जब वो अल्लाह का दीन का दाई बना है, एक अल्लाह वाले के हाथ में आया है, मछली की तरह रातों को अल्लाह के सामने रोता था कि अल्लाह मेरी जिंदगी कहाँ गुजर रही है, मेरी जिंदगी मेरी जवानी बर्बाद हो गई। कितनी लड़कियां उसके हाथ में इस्लाम कबूल किया, लड़कियां रातों को रोने वाली बन गई, कलब पे जाने वाले बच्चियां पर्दे की आदि बन गई। मेरे भाइयों, एक मेहनत अल्लाह ने मुझे और आपको नसीब फरमाई है, मेहनत करे, उलमा की कदर करे, अल्लाह वालों की सोहबत में रहे और मेरे नबी की सुन्नत अपनी जिंदगी में लावे, मेरे नबी से मोहब्बत करे, आपकी मोहब्बत दिलों में लावे, आप वाला तरीका हमारे घरों में हो, हमारा माशरा पाकीजा बने। बड़ों की कदर करो, छोटों पर शफ़क़त करो, गांव के चौधरियों की कदर करो। हमारा अल-फ़ज़ल मदरसा है, हमारे पास मुफ्तियाने किराम है और हमारे पास बड़े बड़े दारुल उलूम है, वहां जावे, मुफ्तियाने किराम के पास अपनी जिंदगी के मसाइल रखे। मैं एक कारोबार करता हूँ, उसमें कितना हलाल और कितना हराम है, फिर वो इंशाल्लाह जिंदगी कैसे हमारी पाकिजा बनती है। अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे बच्चों ने माशाल्लाह प्रोग्राम पेश किया, ये छोटे छोटे बच्चों ने हमारे सामने मदरसे की तालीम पेश की है कि हमारे बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। हमारे बच्चों का लिबास इस्लामी लिबास था, मदरसे का लिबास था, लेकिन आपको मालूम है जैसे बच्चा घर पर आता है हम बच्चों के लिबास को बदल देंगे। बच्चा क्या क्या लिबास पहनता है, खुदा पाक की कसम, एक उस्ताद जब बच्चे पर मेहनत करता है, उसी बच्चे को जब गली में देखता है कि बच्चा पैंट शर्ट में और बालों की कटिंग खुदा की नाफरमानी वाली करके ढूंढता है, उस्ताद का दिल रोता है, लेकिन कह भी नहीं सकता और सह भी नहीं सकता। कहता है तो बच्चा मदरसा छोड़ देता है, बाप कहता है तू यहां नहीं पढ़ा कि और जगह पढ़ने चला जा, उस्ताद अल्लाह के सामने रोता है। आपकी औलाद की फिक्र जितनी आपको नहीं है, आपके आपके मदरसे के उस्तादों को है। इसे मेरे बड़े उस्तादों की भी कदर करो और हमारा मदरसा तरक्की पर आ गए, उसके लिए आप अल्लाह से दुआ भी करो, जान की बाजी लगाओ, जरूरत पड़े खर्च करने की खर्च करो। बहुत सारे नौजवान है, इरादा करे मेरी तनख्वाह 9000 है, मैं हर महीने किसी को पता ना चले 400 रुपया 500 रुपया मदरसे को दूंगा, ताकि मदरसे के अंदर बच्चों की तरक्की हो। किसी को कहना नहीं, किसी को बताना नहीं, आपके 400 रुपये देने की बरकत से अल्लाह आपकी रोजी में बरकत देगा और आपके आपके 400 रुपये इतने बड़े उगेंगे, कोई आलिम बनेगा, कोई हाफिज बनेगा, तो कुरान करीम का कारी बनेगा, ये सारा का सारा जरिया अल्लाह पाक आपको बनाएगा। अल्लाह पाक हम तमाम इन तमाम बातों पर अल्लाह पाक अमल करने की तौफीक अता फरमाए।